नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका YouTube चैनल है तो आप सोशल मीडिया से किस तरह से लिंक कर पाएंगे। आप तो वहाँ पे देख चुके होंगे थंबनेल में कि किस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों देखते होंगे कि अगर आपका YouTube चैनल है तो अगर आप आसानी से किस तरह से सोशल मीडिया से लिंक कर पाएंगे। वहाँ अगर आपका कोई भी टच करता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे जो दो तीन सोशल मीडिया हैं, इसको आप किस तरह से लिंक कर पाएंगे अपने YouTube से, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ और अपने चैनल पे हम किस तरह से सेटिंग कर रहे हैं वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं, आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। इसी तरह से ओपन करना है आपको भी। ओपन करने के बाद क्रिएट स्टूडियो पे जाना है, और जाने के बाद होम पेज पे आपको आना है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी तरह से आप ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद एक ऑप्शन जो लास्ट में दिखाई दे रहा है अबाउट, को दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके, और अबाउट ऑप्शन पे जाना है। देख लीजिए यहाँ पे अबाउट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगे, और नीचे में जो लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड पर आपको तीन बार क्लिक करना है, और तीन बार क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन URL और यहाँ पे बगल में जो URL दिखाई दे रहा है उसके सामने में आपको वहाँ पे नाम लिख देना है जो भी आप सोशल मीडिया का वहाँ पे लिंक डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फेसबुक का लिंक डालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फेसबुक यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से टाइप कर लीजिएगा। और नीचे में यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं इंस्टाग्राम, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हम टाइप करेंगे ट्विटर। तो आप भी इसी तरह से यहाँ पर लिख लीजिएगा अपना जो भी सोशल मीडिया का URL आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो उसका वहाँ पे नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आप भी डाल लीजिएगा। और इसके बाद URL कॉपी करके यहाँ पे डालना है। किस तरह से हम URL को कॉपी करेंगे आपको भी दिखा देते हैं मोबाइल के माध्यम से आप किस तरह से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक का URL आप किस तरह से कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक कर लेते हैं, और फेसबुक ओपन करने के बाद हम किस तरह से यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं अपने पेज पे, और मनोज पंडित का जो पेज हमारा पेज है उस पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे तीन बिंदु वाला जो तीन रेखा वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेयर का, शेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कॉपी लिंक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने कॉपी लिंक कर लिया है, और अब यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करना है URL पे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, आप भी इसी तरह से पेस्ट कर लीजिएगा। और अब बचा हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर का, तो हम इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन किया हुआ है, थोड़ा हम ले लेते हैं इंस्टाग्राम, ये हमारा इंस्टाग्राम है। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो मनोज पंडित 94 हमारा ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाकर के हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप थ्री आइकन पे क्लिक करके, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप वहाँ से URL को कॉपी कर पाएंगे, और कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर आके पेस्ट कीजिए जहाँ पर आप सेटिंग कर रहे हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर URL का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है जिस तरह से हमने फेसबुक का किया है, उसी तरह से सेम अब हम ट्विटर का करेंगे। ट्विटर भी हमने ओपन कर लिया है, और उसका भी URL कॉपी करेंगे यहाँ पे, और उसका भी डालना है वहाँ पे, पेस्ट करना है। वहाँ पे कोने में जो थ्री आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके वहाँ भी
कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप यूआरएल को कॉपी कर लेना है। देखिए शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेयर के ऑप्शन से ही कॉपी होता है लिंक, आप वहाँ से आसानी से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप सेटिंग कर रहे हैं। तो चलिए ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद आपका आपके सामने राइट साइड में आपका डन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको डन कर देना है। और डन करने के बाद आपका सोशल मीडिया से यूट्यूब चैनल लिंक हो जाएगा। देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों का लोगो आ गया है आपके सामने। और देखिए कोने में जो आपका बैनर है, बैनर के कोने में आपका सोशल मीडिया का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप आसानी से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया फेसबुक पे, अब देखते हैं कि फेसबुक ओपन होता है या नहीं होता है। आप देखिए ओपन हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये हमारा फेसबुक ओपन हो चुका है, और आप आसानी से कोई भी आपके पेज पर आता है तो आप आसानी से वह आपके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में जा सकता है, और वहाँ पे जा कर के आपके चैनल को, आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकता है, आपके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकता है, और आपके इंस्टाग्राम को भी फॉलो और ट्विटर को भी फॉलो आसानी से कर पाएंगे, और आपको आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो यही था, और चेक करते हैं, हमने एक फेसबुक का ही चेक किया है और इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी चेक कर लेते हैं किस तरह से ओपन होता है। आप भी देख लीजिएगा एक एक करके। अब यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह का, देखिए खुल रहा है। और ये इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, मनोज पंडित 94, ये जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है ये ओपन हो गया था, आप भी वहाँ पे जा सकते हैं। अब ट्विटर पे क्लिक करते हैं, और ट्विटर पे देखते हैं कि ये हमारा ट्विटर अकाउंट ओपन होता है या नहीं होता है। यहाँ से यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने ट्विटर को भी यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आसानी से वहाँ से कोई भी अगर आपका फैंस आता है आपके पेज पे, तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सोशल मीडिया पे जा सकते हैं आसानी से। तो ये था लिंक करने का तरीका। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।